आज हमारे साथ स्टूडियो में दो क्यूट सी लड़कियां मौजूद हैं, लेकिन उन्हें आप लड़कियां ना समझें। भाई लड़कियां आई मीन के नाजुक, जिस तरह लड़की जब भी सोचा जाता है तो ऐसा लगता है कि सिंफे नाजुक है और बहुत ही नाजुक मिजाज होंगी और हर चीज़ को बड़ी नज़ाकत से करेंगी। नज़ाकत और वो जो नाजुकपन है वो तो इनमें है ही, लेकिन इसके साथ साथ पावर लिफ्टिंग में मेडल्स जीत चुकी हैं। 4 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं स्नेहा गफूर ने, जो हमारे साथ मौजूद हैं। अभी पावर लिफ्टिंग लीग, सिंगापुर पैसिफिक पावर लिफ्टिंग लीग जो हुई, वहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उन्हीं के हमरा ट्विंकल सोहेल, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, आलमी रिकॉर्ड कायम किया, नेशनल इंटरनेशनल जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन हैं उनमें पार्टिसिपेट किया, कबड्डी भी खेलती है और बहुत से फ़ख्र जो है वो पाकिस्तान लेकर वापस आती हैं। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ट्विंकल एंड स्नेहा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Congratulations for these medals. Thank you. ट्विंकल आपसे शुरू करेंगे, कैसा लगा वहाँ पर परफॉर्म करके, ये इस पे पार्टिसिपेट करके और उसके बाद आपने मेडल्स जीते? पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तानी होने के नाते तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, काफ़ी प्राउड भी फील हो रहा था, क्योंकि मैं पहले भी कंपटीशन खेल चुकी हूँ मस्कत ओमान में बेंच प्रेस का, तो उसमें भी गोल्ड मेडल लेकर आ चुकी हूँ, तो थोड़ा सा इतनी नर्वस नहीं थी, तो कॉन्फिडेंस थी पर सर वगैरह काफ़ी ज़्यादा बकअप करते रहे, क्योंकि ये जो कंपटीशन था उसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 14 ममालिक आए हुए थे और 148 मेंबर्स थे। अच्छा, वहाँ पर जो अच्छा, पार्टिसिपेट कर रहे थे। और जब हम वार्म अप रूम में होते थे तो बहुत ज़्यादा रश, तो हमें जो दूसरी ममालिक की लड़कियाँ थी वो भी बकअप करती थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो नारे लगाए जाते हैं माशाल्लाह शाबाश शाबाश, तो वो भी जब बकअप करती थी ना तो हम उनका फेस देखते थे कि ऐसे बोल रही है हमारी तरह। हाँ। तो बहुत ज्यादा अच्छा प्राउड फील हुआ पाकिस्तान की तरफ से खेल के। पहले भी हम लोग खेलते हैं पर इस दफा 4 मेडल लेकर जब पाकिस्तान आया उसमें और ज्यादा अपने आप में एक जज्बा पैदा हुआ, अपने आप में कॉन्फिडेंस आया कि हम आइंदा भी जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप होगी उसमें भी हम इन पाकिस्तान का और अपनी कौम का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल सही। स्नेहा आपको कैसा लगा खेल के, और गोल्ड मेडल आपने भी जीता अपनी कैटेगरी में? मैंने तो फर्स्ट टाइम जीता है, फर्स्ट टाइम मैं गई थी पावर लिफ्टिंग में, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जब मैं वापस आई मेरे घर की फैमिली इतनी खुश थी, पाकिस्तान में जो थे सब वो भी ज़्यादा खुश, ज़्यादा तो मैं खुद खुश थी कि मैं खुद वहाँ रो पड़ी थी, मुझे खुद नहीं पता चले मेरे आंसू कैसे आ गए, मैं खुद बहुत खुश थी वहाँ। पता है ये बहुत रिस्पांसिबिलिटी होती है, जब मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जब आपके नाम से पहले पाकिस्तान का नाम लिया जाता है और फिर वो एकदम से पूरी रिस्पांसिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है कि पाकिस्तान का नाम है तो हमें कुछ करना है। मुश्किल लगा था? थोड़ा सा लगा था जब उनकी लड़कियों को देखा सबको, माशाल्लाह वो इतना इतना उठा रही थी, हम उसके लेवल पर अभी नहीं थे, लेकिन फिर भी हम जूनियर मैं खेली थी लेकिन उनके लेवल तक मैं पहुंच गई थी, लेकिन के मैंने बेल्ट के बगैर ये सब जितनी लिफ्टें की हैं बेल्ट के बगैर ही किए, सिर्फ अच्छा। एक 150 जब मैंने की थी तब वो एक बेल्ट मेरे बॉडी वेट का लड़का था तो उन्होंने उससे बेल्ट ले के उसने मुझे दी, तो कहता जाए आप ये लगा लें लिफ्ट, तो बाकी जो भी डेड लिफ्ट थी वो भी मैंने वैसे की, ये सब कुछ इन्हें पाकिस्तान के लिए किया है। बिल्कुल सही। अच्छा ट्विंकल कैसा लगता है आपको स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन के ऊपर जो है वो गोल्ड मेडल मिला, और कितना वेट उठाया हुआ आपने? तकरीबन जो पाकिस्तान में उठाया वो 217 केजी था पहले, पर अभी मैंने बॉडी वेट भी गेन किया, अब मैं 72 केजी में खेलती हूँ। पहले मैं 57 केजी में खेली थी जो मस्कत ओमान में हुआ था, तो मेरा 57 कैटेगरी में खेली थी मैं, मेरा अपना बॉडी वेट 53 केजी था, तो वहाँ पर मैंने 160 केजी वेट उठाया और यहाँ पर मैंने 240 केजी वेट उठाया 72 कैटेगरी में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। पाकिस्तान में जब हम खेलते हैं तो हम जाहिर सी बात है जो हम ट्रेनिंग में टोटल कर रहे होते हैं वो कंपटीशन में काफ़ी ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि कुछ लिफ्टें फेल हो जाती है कुछ ये होता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेन एफर्ट मैं अपने सर की समझती हूँ, सर राशिद मलिक की, कि उन्होंने हम तीनों लड़कियों को बहुत अच्छी तरह गाइड किया, हमें अच्छी ट्रेनिंग दी और हमें इस मतलब मुकाबले के लिए तैयार किया कि हम लोग बाहर की लड़कियों के साथ खेल सके। बिल्कुल सही। और ये बड़ा मुश्किल होता है इंटरनेशनली कम्पीट करना। स्नेहा आप 4th क्लास में थे जब से आपने खेलना शुरू किया, आप कौन सी कैटेगरी में खेलते हो और कितना वेट अब तक उठाया? मैंने अब 57 कैटेगरी में खेलती हूँ और मैं 270 ये उठाया इतना, लेकिन मेरा ये बहुत अभी कम था। अच्छा। जो मैं यहाँ पाकिस्तान में करती हूँ वो मेरा ज्यादा है, लेकिन वहाँ मैंने कम किया है क्योंकि बेल्ट भी मेरे पास नहीं थी, उसके अलावा बहुत ज्यादा मुझे हुआ
मैंने और बेल्ट होती तो माशाल्लाह मैंने उनके बिल्कुल नजदीक हो जाना था और ज्यादा। लेकिन अभी भी आपने गोल्ड मेडल जीता, ये बड़ी बात है। और इतनी यहाँ पर जो जिस तरह से सिखाया जाता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज है, ट्विंकल आपको लगता है कि वो काफी है? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से हमें इतना फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो क्योंकि आगे हम लोगों के प्लान आगे एशिया खेल लिया, ओशनिया खेल लिया, अब आगे वर्ल्ड के हमारे हैं, मतलब टारगेट है हमारे आगे, हम लोगों ने अपना गोल सेट किया अचीव करना है इस गोल को, तो उसके लिए वर्ल्ड वजीरे आला और मतलब मियां शहबाज शरीफ से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग के ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगाए जाएं। अभी तो हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में ट्रेनिंग कर रहे हैं लड़कियाँ जो है, पर हमें हमारे कैंप ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ, उसमें हमें अच्छे से अच्छा वेट मतलब दिया जाए, अच्छे से अच्छी सहूलियात दी जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा कैंप्स लगे उतनी ज़्यादा हम लोगों को फुटीक नहीं होगी, क्योंकि वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग ऐसी गेम है कि इसमें जरा सा भी हम इधर उधर होते हैं तो मतलब जरा सी भी चूक हुई और वो गिर गया तो आप उस राउंड से आउट, क्योंकि हम लोग बाहर करके आए तो उनके इक्विपमेंट्स जो थे वो बहुत अच्छे थे। जैसे मेरी हाइट तीनों में से काफ़ी मतलब ज़्यादा थी, तो मेरी हाइट के मुताबिक हर एक चीज़ सेट की गई, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट का वो और स्क्वाट का, स्क्वाट स्टैंड का, तो उनके इक्विपमेंट्स हमारे से बहुत ज़्यादा अच्छे थे। हमारे पाकिस्तान लेवल पर हमें इतने ज़्यादा अच्छी नहीं दी जाती सहूलियात, तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही जाहिर है जब आपने इंटरनेशनली कम्पीट करना है तो फिर फैसिलिटीज़ भी उसके अकॉर्डिंगली ही होनी चाहिए। अच्छा स्नेहा, कब से सीख रहे हो आप और कितना मुश्किल है ये करना? मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरे अब्बू हैं वो करते हैं, मेरे भाई हैं इंटरनेशनल प्लेयर वो हैं, और अब्बू के जब मैं फर्स्ट टाइम जब नेशनल खेली थी तो मैंने अब्बू से घर पर ही सीखी थी। उसके अच्छा। बाद जो अब राशिद मलिक हैं सर हमारे, अब मैं उनसे ये ट्रेनिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे लिए तो बहुत ईजी है, मुझे नहीं मुश्किल लगता। कितना कितने घंटे ट्रेनिंग को देती हूँ? हमारी 4-5 घंटे ट्रेनिंग होती है। और तालीम साथ साथ चल रही है या वो नहीं? मैंने छोड़ दी भैया। अच्छा, आपने छोड़ दी। और ट्विंकल आप? जी मैं अभी पढ़ रही हूँ, मैंने स्कूल लेवल से स्टार्ट किया था, स्कूल के बाद मैट्रिक एफए, अभी पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से बीए स्पोर्ट्स साइंसेस की तैयारी कर रही हूँ। कितनी तैयारी कर रहे हो और साथ साथ जो है वो खेल रही हूँ। अच्छा, आपकी 4 बहनें हैं जी, और चारों ने वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है वो जीता हुआ, ये कैसा लगता है? आपस में मुकाबले होते हैं वैसे बहनों? नहीं, आपस में नहीं, क्योंकि हम लोग चारों बहनें अलग अलग बॉडी वेट में हैं। जो सबसे बड़ी सिस्टर हैं साइबल सुहेल, वो 47 कैटेगरीज में, उन्होंने भी 4 गोल्ड मेडल लिए ये सिंगापुर से, ओशनिया पैसिफिक पावर लिफ्टिंग। जो दूसरी जो मुझसे छोटी सिस्टर है वेरोनिका सुहेल, वो भी 47 कैटेगरी में खेलती हैं, पर वो जो वो सबसे जूनियर है, वो सब जूनियर है मुझसे छोटी, और वो बहुत अच्छी खेलती है। हमारे जो सर हैं वो उनकी फेवरेट स्टूडेंट है। अच्छा। और एक मरियम सुहेल है, मरियम सुहेल 57 कैटेगरी में खेलती है। तो हम चारों बहनें जो अलग अलग बॉडी वेट्स में खेलते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बकअप करते हैं। समीना और हम चारों, हम लोग इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बल्कि हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि हम लोग बहनों जैसे ही रहते हैं, हम लोग इतना फ़र्क नहीं करते हैं कि समीना हमारी बहनें, नहीं, हम लोग काफ़ी ज़्यादा बहनों की तरह रहते हैं। घर में आना जाना, मतलब ट्रेनिंग भी ऐसे करते हैं कि हम फील ही नहीं होने देते एक दूसरे को, हम 4 नहीं हम 5 बहने। अच्छा अच्छा, दैट्स अमेजिंग। अच्छा स्नेहा, ये जो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप और जूनियर अभी उस लेवल पर खेल रहे हैं, आपके आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आगे भी जैसे अब मैं लेके आई, ऐसे भी मैं चाहती हूँ कि ऐसे भी मैं जीतूँ, गोल्ड मेडल लेके आऊँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। ऐसे ही हमारे जो सर हैं वो हमारी ऐसे मेहनत करते रहे और हम वैसे ही सर का भी नाम रोशन करें, पाकिस्तान का नाम। एक दूसरे को सपोर्ट करते हो आप? बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं। वो हमारी जो साथ तीसरी वाली लड़की है साइबल, उसका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा था। हम लोगों ने सुबह 6 बजे हम लोग उठे हुए थे, हम तीनों ही, हम लोगों ने 1 घंटे में उसका बॉडी वेट 1 kg बढ़ा हुआ था, तो कम किया था। अच्छा। जैसे उसका बढ़ा नहीं हुआ, हम लोगों का खुद का बढ़ा हुआ था। तो ये हम लोगों का, जैसे हम लोगों ने किया, हम लोग कुछ नहीं नजर आ रहा था कि हम लोग कर क्या रही हैं, कभी हम लोगों से भगा रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बहुत बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आई थिंक ये टीम सपोर्ट जो आप एक टीम में ना होते हुए भी एक दूसरे को दे रहे होते हैं, बहुत मैटर करती है। वेल, गुड लक फॉर दिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन, वर्ल्ड टाइटल के लिए जो आप जाना चाहती हैं। आई रियली होप कि आप वहां जाकर भी इसी तरह से गोल्ड मेडल लेकर आए और दोबारा मेरे शो में आए ताकि मैं आपसे बात करूं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी के साथ नाजर आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।